ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मेरे ब्रह्मा बाबा, पार्ट 3। अव्यक्त वाणी डेट है 15 फरवरी 1969। यह तो अभी पढ़ाई का समय है, बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते पढ़ाते हैं, जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है, ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है, जुदाई भी नहीं विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है, वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए, समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा। सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है, भल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भुलाने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति ही समझो, इसीलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बैज हमेशा साथ रखो। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन को देखते हो तो आपके भी त्रिमूर्ति की याद अर्थात अपना स्वरूप और बाप दादा की याद त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं जो कराते हैं उसमें ही कल्याण है। इसमें एक एक महावाक्य में एक एक नजर में बहुत कल्याण है, लेकिन स्थूल को परखने वाले कोई कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना। संबंध स्नेह स्मृति स्वरूप साथ साथ सरलता स्वरूप समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। अब बहुत समय हुआ है, और कुछ कहना है? सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। व्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसलिए सभी की रिजल्ट देखते रहते हैं। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जिस चीज के साथ बाप का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ स्नेह था? 5 तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था नहीं है और रहेगा। जब तक भविष्य नई दुनिया नहीं बनी है तब तक यह अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है,
तो फिर शरीर क्या, अंत तक साथी रहेंगे। जिसका बाप के साथ स्नेह है वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसी भी माया आवे, माया जीत बनना। जैसे बैच लगाते हो वैसे मस्तक पर यह विजय का बैच लगाओ। मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। अविनाशी भंडारा है, इसका और भी ज्यादा शो करना है। जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना। जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। इसलिए जो भी बात हो मधुबन में लिखते रहना। अपना पूरा कनेक्शन रखना। दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आपको देख और भी ऐसे करेंगे। विदाई के समय, यह तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वह समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आंखों से देखेंगे कि यह धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। बाबा ने कहा है ज्यादा समय वहां नहीं बैठना। बाप दादा में शुद्ध मोह है। साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था। शिव बाबा का नहीं है, बाप दादा का है। जैसा हमारा है वैसा नहीं। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है। वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है, और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं। या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते, लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। यह अंतर जो रहा हुआ है इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। अव्यक्त वाणी डेट है 4 मार्च 1969। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना। डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्ति आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद न उससे निकल सके न दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है। म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्ति आकर्षण से उन्हों को घायल करना, यह है घेराव डालना। वह अभी चल रहा है। अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले, नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा, यानी बीत जाएगा। अव्यक्त वाणी डेट है 13 मार्च 1969। कुमारियों के रिजल्ट कैसी है? आप अपनी रिजल्ट क्या समझती हो? विशेष किस बात में उन्नति समझती हो? हर एक ने अपना सुनाया। याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती।
अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है। इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे, इसी रीति जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स है, वह उन्हों को आधा घंटा एकांत में सैर करावे। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। छतें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी है, फिर शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं, उसी समय संगठन में योग कराओ और बीच बीच में अव्यक्ति रूप से बोलते रहो। कोई का बुद्धियोग यहाँ वहाँ होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा। योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है। इस ग्रुप को उमंग उत्साह अच्छा है। बाकी एक बात खास ध्यान में रखनी है कि एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के स्नेह में एक दो से बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे कितना मिक्स हो जाते हैं, ऐसे ही सभी को एक दो में मिक्स होना चाहिए। जब कुमारियां ऐसा शो करके दिखाएंगी तब फिर और भी कुमारियां सर्विस करने के निमित्त बनेगी, और जो निमित्त बनता है उनको उसका फल भी मिल जाता है। आप शोकेस हो, अनेक कुमारियों को उमंग और उत्साह उन्नति में लाने की। जितना ही उमंग से साकार निराकार दोनों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया है, उतना ही उसका उजुरा दिखाना है। अव्यक्तवाणी डेट है 20 मार्च 1969। संपूर्ण स्थिति का चित्र साकार में देखा है। साकार तन जो था वह संपूर्ण कर्मातीत स्थिति नहीं थी। उसकी भेंट में बताओ, उन जैसा तो बनना ही है, गुणों को ही धारण करना है, तो उनके अंतिम स्थिति और अपने वर्तमान स्थिति में कितना फर्क समझते हो, उसके लिए कितना समय चाहिए। साकार का सबूत तो इन आंखों से देखा, उनके हर गुण हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो तो मालूम पड़ जाएगा। अभी समय के हिसाब से 25 भी बहुत है, समय पुरुषार्थ का बहुत कम है। इसलिए जैसे याद का चार्ट रखते हो, साथ साथ अब यह भी चार्ट रखना चाहिए। साकार जो कर्म कर रहे थे, जो स्थिति जो स्मृति थी, उन सभी से भेंट करनी है। अव्यक्तवाणी डेट है 17 अप्रैल 1969। साकार रूप में फाइनल स्थिति देखी ना, तो साकार रूप में कर्म करके दिखाया तो उससे फाइनल स्टेज का पता पड़ा ना। फाइनल स्टेज के प्रमाण जो कुछ कमी देखने में आती है, उस कमी को शीघ्र निकालना ही पुरुषार्थ से प्यार है। धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। साकार का भी मुख्य गुण देखा, वह कोई भी बात को पीछे के लिए नहीं छोड़ते थे, अभी ही करना है। जैसे ही वो अभी करते थे वैसे ही अभी करना है, ऐसे नहीं कि कब कर लेंगे, 10
वह 15 दिन के बाद कर लेंगे। मधुबन जाकर पिछाड़ी को प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे इंतजार बहुत करते हैं, इंतजाम को भूल जाते हैं, इंतजाम नहीं करते, बातों का इंतजार बहुत करते हैं। इंतजार को निकाल इंतजाम में लग जाएंगे, फिर 75% रिजल्ट हो जाएगी। वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। कारण भी सुना रहे हैं, कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का, लेकिन जैसे है, जो भी सामने है, वैसे ही हालतों में इस शरीर ही में हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। अव्यक्तवाणी डेट है 17 अप्रैल 1969। संगमयुगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग यथा शक्ति है। उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को न देखना यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है। एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता आपे ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी, सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। अव्यक्त वाणी डेट है 18 मई 1969। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? अगर आप हरे शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त है न चाहते भी चकमक के आगे आ जाएंगे। देरी नहीं लगेगी। अव्यक्त वाणी डेट है 26 मई 1969। अपने को बचाना है, यह है बाप दादा के स्नेह का रेस्पॉन्ड। किन किन बातों में बचाना है मालूम है? एक तो मनसा सहित प्यूरिटी हो, मनसा में कोई संशय न आए, और दूसरी बात अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल न निकले। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी।
कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करे। यह है कुमारियों के लिए खास। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जून 1969। जैसे आप लोग यहाँ ऊपर सनली पर बेड देखते हो और नीचे बेड देखने में फर्क होता है ना, इनसे भी ऊपर कोई बेड देखे तो कितना फर्क होगा। बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो क्या अनुभव होता है। आज अनुभव सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीत है, तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं। वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने कारण देखते हैं। कोई कोई बहुत अलौकिक पन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, कोई समय गवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब देखते हैं समय को गवा रहे हैं तो मालूम क्या होता है, तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वह संबंध भी खींचता है। फिर दिल होती है कि अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में उन्हों का ध्यान खिंचवाए, लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ, इसलिए दूर से ही सकाश देते हैं। एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते। क्या वैसे ही मुरली नहीं चला सकते हैं? क्यों भाषा बदली, क्यों तरीका बदला? ऐसे प्रश्न बहुतों को उठता है। जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा का कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है, लेकिन क्यों नहीं चलाते हैं? दो चार ने अपने विचार सुनाए। जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ, अब फिर पढ़ाई पढ़ाने लिए नहीं आते। वह कोर्स था, उसी तन द्वारा पाठ पूरा हो चुका है, अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। और मुख्य बातें कौन सी है? जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया, एक सेकंड में पंछी बन उड़ गया। साकार शरीर से एक सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई, बाकी एक कार्य रहा हुआ है साथ ले जाने का। इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने लिए आते हैं। पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे, कितने तक कोर्स पूरा हुआ है, अभी यह सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय अब चाहिए। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना, उनको देखते यह लक्ष्य रखते अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है। लक्ष्य तो बता दिया कि कैसे अपने को परखना, फिर उत्तर देना। अव्यक्तवाणी डेट है 16 जुलाई 1969। बाप दादा दो बातों की सौगात देते हैं। एक ही लगन में
हर वक्त रहना, हमारा तो एक दूसरा न कोई। और दूसरा, इकोनॉमी में रहना, एक की याद और इकोनॉमी, यह दो सौगात आज के समारोह की है। कितना भी कोई अपनी तरफ खींचे, लेकिन एक के सिवाय दूसरा न कोई, यह है मनसा की बात। और इकोनॉमी है कर्मणा की, तो मनसा और कर्मणा दोनों ही ठीक रहे तो वाणी ठीक रहेगी। यह दो बातें खास ध्यान पर रखनी है। जैसे साकार रूप में भी देखा ना कि एक लगन और इकोनॉमी, इसलिए याद है मंत्र कौन सा सुनाते थे, कम खर्च बाला नशीन। इकोनॉमी के साथ यह मंत्र भी नहीं भूलना। इकोनॉमी भी हो, साथ साथ जितनी इकोनॉमी उतना ही फ्रागदिल भी हो। फ्रागदिल में इकोनॉमी समाई हुई है, इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। अव्यक्तवाणी डेट है 16 जुलाई 1969। आप और सभी से एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो। क्यों? कहते हैं ना कि जिनके घर में बहुत मेहमान आते हो वह बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो तुम एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो, क्योंकि सभी से ज्यादा मेहमान यहाँ आते हैं। लेकिन मेहमान नवाजी भी करनी पड़ती है। मेहमान नवाजी ऐसी करनी है जो अपने घर से पूरा ही मेहमान हो जाए। आपकी मेहमान नवाजी उनको सदा के लिए मेहमान बना दे। बाप दादा साकार में यह करके दिखाते थे। एक दिन की मेहमान नवाजी में पूरे जीवन के मेहमान बनाना, ऐसी मेहमान नवाजी करनी है, इसको कहा जाता है सन शोज फादर। अव्यक्तवाणी डेट है 17 जुलाई 1969। ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख मांगेंगे, तो उन्हों को नहीं देंगे? इतना जमा करना पड़ेगा ना, अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा। जो आज अपने को भरपूर समझते हैं, वह भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे, तो भीख कैसे दे सकेंगे? जब जमा होगा ना, दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। आप सभी के एक सेकंड की दृष्टि के, अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा न हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। साकार में क्या करके दिखाया, कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर न जाए। भल कैसी भी आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अव्यक्तवाणी डेट है 20 दिसंबर 1969। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं, कोई भी अनजान समझ सकता था कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। हजारों के बीच में वह हीरा चमकता था। तो फॉलो फादर, उन्होंने वाइब्रेशंस अपने में नहीं लाना, अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना, यही नवीनता लानी है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1970।
जैसे पहले भी निमित बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित ही थे, अब भी निमित है। यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ है ही, जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे सीजरे से स्नेह। साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मणके हो ना, माला में अकेला मणका नहीं होता है। माला में एक ही याद के सूत्र में स्नेह में परिवार समाया हुआ है। तो यह जैसे माला में स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए है। दैवी कुल तो भविष्य में है, इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। साकार में क्या सबूत देखा? बाप दादा किसको आगे रखते हैं? बच्चों को, क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम बाला नहीं हो सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया वही फॉलो करना है। यहाँ पेपर पहले ही सुनाया जाता है। निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हरेक के स्नेह सहयोग और शक्ति का। अब वह समय नजदीक आ रहा है जिसमें आपका भी कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अव्यक्त वाणी डेट है 22 जनवरी 1970। आपने पूछा ना कि वतन में क्या बैठ करते हो? यही देखते रहते हैं और अव्यक्ति सहयोग देने की सर्विस करते हैं। सभी समझते हैं कि बाप दादा वतन में पता नहीं क्या बैठ करते होंगे, लेकिन सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहां तेज है, क्योंकि यहाँ तो साकार तन का भी हिसाब साथ था। अब तो इस बंधन से भी मुक्त है, अपने प्रति नहीं है, सर्व आत्माओं के प्रति है। अव्यक्त वाणी डेट है 23 जनवरी 1970। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना, तो बच्चों के भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता देखने में आए। अव्यक्त स्थिति क्या चीज होती है इसका अनुभव कराना है। आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखे, समय की घड़ी बनकर जा रहे हो, जैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना, वैसे शरीर के होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। यह सर्विस सभी से अच्छी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है। जैसे साकार रूप में भी अथक और एकरस एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। समय भल न भी मिले सर्विस का, लेकिन चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। चरित्र से भी सर्विस होती है, सिर्फ वाणी से नहीं होती। आपके चरित्र उस विचित्र बाप की याद दिलाए, यह तो सहज सर्विस है ना।
बाप दादा तो अब सभी के साथ है ही, क्योंकि साकार में तो एक स्थान पर साथ रह सकते थे, अभी तो सर्व के साथ रह सकते हैं। सदैव यह ध्यान रखो कि एकमत से एक रिजल्ट होगी। इस गुण को परिवर्तन में लाना, कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपने को मजबूत रखना है, औरों को अपने गुणों का दान देना है। जैसे दान करने से रिटर्न में भविष्य में मिलता है ना, इस गुण का दान करने से भी बड़ी प्रलब्ध मिलती है। जो एकमत होते हैं वही एक को प्यारे लगते हैं। बाप दादा दो होते एक है ना, वैसे भल कितने भी हो लेकिन एक मत होकर चलना। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जनवरी 1970। बाप दादा भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हो, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है? पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है? जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, उसी समान अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर। यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। वह था बुद्धियोग का अनुभव, यह है प्रैक्टिकल अनुभव। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता, यह अनुभव बाप के समान करना है। अव्यक्तवाणी डेट है 26 मार्च 1970। अब से धारणा करने से ही अंतिम मूर्त बनेंगे। साकार सबूत देखा ना, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था कि अलग अलग था? जो सोच वही कर्म था। बच्चों का कर्तव्य ही है फॉलो करना। साकार रूप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न देखने में आती थी। संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था, वैसे ही आपका साकार स्वरूप अलग देखने में नहीं आए। साकार रूप में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में आए? जिस गुण से संपूर्णता समीप देखने आती थी वह क्या गुण था? जिस गुण को देख सभी कहते थे कि साकार होते भी अव्यक्त अनुभव होता है, वह क्या गुण था? हर एक ने सुनाया, सभी बातों का रहस्य तो एक ही है, लेकिन इस स्थिति को कहा जाता है उपराम, अपने देह से भी उपराम। उपराम और दृष्टा, यह मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह चार शब्द जो है इनको मिटाना है। इन चार शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर किया है। इन चार शब्दों को संपूर्ण मिटाना है। साकार के अंतिम बोल चेक किए, हर बात में क्या सुना? बाबा बाबा। सर्विस में सफलता न होने की करेक्शन भी कौन सी बात में थी? समझाते थे हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो तो किसको भी तीर लग जाएगा। जब बाबा याद आता तो मैं मेरा तू तेरा खत्म हो जाता है, फिर क्या अवस्था हो जाएगी? सभी बातें प्लेन हो जाएगी। फिर प्लेन
याद में ठहर सकेंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 2 अप्रैल 1970। अब बाप दादा ऐसा मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको, शक भी न रहे, स्पष्ट मालूम पड़ जाए। यह है अंतिम पढ़ाई की स्टेज। साकार रूप में थोड़ी सी झलक अंत में दिखाई। जो साकार रूप में साथ थे, उन्होंने कई ऐसी बातें नोट की है। ऐसी ही स्थिति नंबरवार सभी बच्चों की होनी है। जब ऐसी स्थिति होती जाएगी, तब अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट दिखने में आएगा। अव्यक्तवाणी डेट है 2 अप्रैल 1970। स्पष्ट अर्थात संतुष्ट। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से शब्द कहते थे? साफ और सच्चा। जिसमें सच्चाई और सफाई है वह सदैव स्पष्ट होता है। जब सफाई होती है तो भी सभी वस्तु स्पष्ट देखने में आती है। यह लेसन भट्टी की पढ़ाई का लास्ट लेसन है। यही एग्जाम्पल बनना है। जो किसी भी बात में एग्जाम्पल बनते हैं, उनको उसका फल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। साकार रूप में अनुभव देखा। साकार रूप में सर्विस की जिम्मेवारी सभी से ज्यादा थी। बच्चों में उनसे कितनी कम है। बच्चों को सिर्फ सर्विस की ड्यूटी है, लेकिन साकार रूप में तो सभी ड्यूटी थी। संकल्पों का सागर था, रेस्पॉन्सिबिलिटी के संकल्पों में थे, फिर भी सागर की लहरों में देखते थे व सागर के तले में देखते थे। बच्चों को लहरों में लहराना आता है, लेकिन तले में जाना नहीं आता। उनका सहज साधन पहले सुनाया कि प्रैक्टिस करो, अभी अभी आवाज में आए, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान बन, अभी अभी आवाज से परे, अभी अभी का अभ्यास करो। कितने भी कारोबार में हो, लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी निकाल कर इसका जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिकल रूप बनता जाएगा। अब भाषा भी चेंज हो। साकार रूप में सभी दिखाया। कब कहा कि मैं यह चला रहा हूँ? मैंने मुरली अच्छी चलाई। कब कहा? मैंने सर्विस की। मैंने बच्चों को टच किया। कब कहा? यह अंगीकार करना खत्म हो जाना है। इसको कहा जाता है जो वायदा किया है वह निभाना। आप लोग एक गीत गाते थे, तुम्ही पर मिटेंगे हम, याद आता है? मर मिटना किसको कहा जाता है? मैं पन मिटाना यही मर मिटना है। अंगीकार न करो तो ललकार कर सकते हो। कोई भी बात न निंदा स्तुति, न मैं, न तुम, न मेरा तेरा, कुछ भी अंगीकार अर्थात स्वीकार न करना, तब ललकार होगी। साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा, यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं।
विश्व में सर्व आ जाते हैं, तो बीज यहां डालना है, फल वहां लेना है। अव्यक्तवाणी डेट है 7 जून 1970। ज्यादा परिस्थितियों को सामना करने का साकार सबूत भी देखा। कभी उनका घबराहट का रूप देखा? सुनाया था ना कि सदैव यह याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है, कोई मुश्किल नहीं है। स्नेही को सुध-बुध रहती है, जब अपने आप को मिटा ही दिया फिर यह मुश्किल क्यों? मिटा दिया ना, जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं। जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना। अव्यक्तवाणी डेट है 19 जून 1970। जैसे कोई गरीब को अचानक बिगर मेहनत प्राप्ति हो जाती है, उस रीति जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है वह आत्मा भी महसूस करती है हमको विशेष मदद मिली है। साकार रूप में भी एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सहयोग देने का सबूत करके दिखाया ना, उस आत्मा को स्वयं भी अनुभव हुआ। यह सर्विस करके दिखानी है। जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे उतना यह सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी पड़ता है और सदा के लिए। बाप दादा भी विशेष सहयोग देते हैं, एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा। मेहनत कम प्राप्ति अधिक। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जून 1970। जैसे साकार रूप के सामने आने से हरेक को भावना अनुसार साक्षात्कार व अनुभव होता था, ऐसे आप लोगों द्वारा भी सेकंड बाय सेकंड अनेक अनुभव व साक्षात्कार होंगे। ऐसे दर्शनीय मूर्त व साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब अव्यक्त आकृति रूप दिखाएंगे। कोई भी सामने आए तो उसे शरीर न दिखाई दे, लेकिन सूक्ष्म वतन में प्रकाशमय रूप दिखाई दे। सिर्फ मस्तक की लाइट नहीं, लेकिन सारे शरीर द्वारा लाइट के साक्षात्कार होंगे। जब लाइट ही लाइट देखेंगे तो स्वयं भी लाइट रूप हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 2 जुलाई 1970। यह साइलेंस बल कहां भी बैठे एक सेकंड में काम नहीं कर सकता। कहा जाने की अथवा उन्हों को आने की भी आवश्यकता नहीं। अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे भी प्रभाव देखेंगे। जैसे साकार में कहते रहते थे कि ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए। अब यह होगा अपनी विल पावर से। अव्यक्तवाणी डेट है 30 जुलाई 1970। इस पांडव सेना को पहले अपने परिवार के बीच एक उदाहरण बनकर दिखाना है। जैसे साकार रूप में उदाहरण बने ना, ऐसे फॉलो फादर। इसलिए आज का दिन कहेंगे पुराने संस्कार और संकल्प के समाप्ति समारोह का दिवस। अव्यक्तवाणी डेट है 6 अगस्त 1970। साकार रूप में क्या विशेषताएं थी? एक तो सदैव अपने को आधार मूरत समझो।
सारे विश्व के आधार मूर्त। इससे क्या होगा कि जो भी कर्म करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे, अलबेलापन नहीं रहेगा। जैसे बाप दादा सर्व के आधार मूर्त है, वैसे हरेक बच्चा विश्व के आधार मूर्त है। जो कर्म आप करेंगे वह सभी करेंगे। संगम पर जो रस्म चलती है भक्ति मार्ग में बदल कर चलती है। अव्यक्तवाणी डेट है 23 अक्टूबर 1970। जैसे साकार में बाप को देखा, मस्तक और नैन सर्विस करते थे, मस्तिष्क में ज्योतिर्बिंदु रहता था, नैनों में तेज त्रिमूर्ति के याद का। ऐसे समान बनना है, समान बनने से ही समीप बनेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 21 जनवरी 1971। साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो, निराकार स्नेही जो होते हैं उनकी यह विशेषता ज्यादा होती है कि वह निराकारी स्थिति में ज्यादा स्थित होंगे। साकार स्नेही चरित्रवान होंगे, उनका एक एक चरित्र सर्विसेबल होगा। दूसरा, वह औरों को भी स्नेह में ज्यादा ला सकेंगे। निराकारी निरहंकारी दोनों समान चाहिए। अव्यक्तवाणी डेट है 22 जनवरी 1970। अव्यक्तवाणी डेट है 22 जनवरी 1970। आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी है, नहीं तो अब तक की रिजल्ट में कोई उलहने अभी तक मिल रहे हैं, यह सर्विस की कमी है। इसलिए कहा कि सर्व बातें उन्हों में भरने से वह फल भी ऐसा लायक बनेगा। आप सोचो, जितना कोई बड़ा आदमी होता है उनके सामने कौन सा फल रखेंगे, बड़ा भी हो और बढ़िया भी हो। साकार में भी कोई चीज लाते थे तो क्या देखते थे, तो अब बाप दादा के आगे भी ऐसे जो फल तैयार करते हैं वही सामने ला सकते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जनवरी 1971। जैसे साकार रूप में प्रत्यक्ष अनुभव किया ना, कर्मातीत अवस्था भी स्पष्ट थी और भविष्य स्वरूप की स्मृति भी स्पष्ट थी। भविष्य संस्कार इस स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते थे, तो आप सभी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि बस यह शरीर छोड़ा और वह तैयार है। बुद्धि बल द्वारा इतना स्पष्ट अनुभव होगा। अभी दिन प्रतिदिन अपनी सर्विस से, अपने सहयोगीपन से और अपने संस्कारों को मिटाने की शक्ति से अपने अंतिम स्वरूप और भविष्य को जान जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जनवरी 1971। साकार रूप में फरिश्तेपन का अनुभव किया ना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे। आप लोगों का भी अंतिम स्टेज का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आवे, लेकिन आपकी एक दृष्टि, स्मृति और वृत्ति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। अव्यक्तवाणी डेट है 11 मार्च 1971। जो समझते हैं
कि हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं, जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं। वह हाथ उठाओ, यह स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए। साकार रूप में ब्रह्मा बाप में स्पष्ट स्मृति में थे ना? यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। अव्यक्तवाणी डेट है 18 अप्रैल 1971। साकार रूप में देखा मस्तक से और नैनों से प्योरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को हुआ, तो फॉलो फादर करना है। अगर ऐसे ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। ऐसी महान आत्मा बनो जो किसके भी सामने जाओ तो उसको साक्षात्कार हो। अव्यक्तवाणी डेट है 6 मई 1971। साकार में अनुभव किया, कैसे हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे ही आप सभी का हर कर्म यादगार बने। उसके लिए दो बातें याद रखो, आधार मुहूर्त और उद्धार मुहूर्त। यह दोनों बातें याद रहे तो हर कर्म यादगार बनेगा। अगर सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मुहूर्त समझो तो हर कर्म ऊंचा होगा। फिर साथ साथ उदारचित अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना वृत्ति दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो अपना हर कर्म ऐसे करो जो यादगार बनने योग्य हो। यह फॉलो करना मुश्किल है क्या? अव्यक्तवाणी डेट है 4 जुलाई 1971। साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं, साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से संबंधों से बुद्धियोग तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना? साकार से निराकार तरफ याद आएगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ ना। अगर बाप दादा का साथ न होता तो साकार इतना प्रिय थोड़े ही होता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ है, वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है, सहज योगी बनो। अव्यक्तवाणी डेट है 19 जुलाई 1971। सिंपल अर्थात साधारणता, साधारणता में महानता हो। जैसे बाप साकार सृष्टि में सिंपल रहते हुए आप सभी के आगे सैंपल बने ना, अति साधारणता ही अति महानता को प्रसिद्ध करती है। तो साधारणता अर्थात सिंपल नहीं तो प्रॉब्लम बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 5 अक्टूबर 1971। जैसे साकार के बोलने में चलने में सभी में विशेषता देखी ना, तो यह कला हुई ना, उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी। हर कर्म कला के रूप में प्रैक्टिकल में देखा तो 16 कला अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। अव्यक्तवाणी डेट है 19 अक्टूबर 1971। जैसे साकार रूप का एग्जाम्पल देखा,
सूरत से हर गुण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। फॉलो फादर, कैसी भी अथॉरिटी वाला आए वह कैसे भी मूड वाला आए, लेकिन गुणों की पर्सनालिटी, रूहानियत की पर्सनालिटी, सर्वशक्तियों की पर्सनालिटी के सामने क्या करेंगे, झुक जाएंगे, अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। यह वृत्ति द्वारा वायुमंडल पावरफुल बनाने के कारण उन्हों की वृत्ति व उन्हों के अंदर के वाइब्रेशन बदल जाएंगे। सबके मुख से वृत्ति की पावर का वर्णन होता था ना, तो वृत्ति और वाणी की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष सबूत देखा तो फॉलो करना चाहिए ना। अव्यक्त वाणी डेट है 24 अक्टूबर 1971। जितना जितना श्रेष्ठ स्थिति बनाते जाएंगे उतना आत्माओं की पुकार के आलाप आप आत्माओं को, शक्तियों को आह्वान करने के आलाप, तड़पती हुई आत्माओं के अनाथ मुखड़े, थकी हुई आत्माओं की सूरतें दिखाई देंगी। जैसे आदि स्थापना के कार्य में साकार बाप के अनुभव का एग्जाम्पल देखा, आत्माओं की सेवा के सिवाय रुक सके, सिवाय सेवा के कुछ और दिखाई देता था, ऐसे ही आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने की लगन में मगन बनो। फिर यह छोटी छोटी बातें जिसमें अपना समय और जमा की हुई शक्तियां गवाते हो वह बच जाएंगी व जमा होती जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।